एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खुश होंगे। ये मेरा दूसरा दिन रहेगा जयपुर पे और अभी सुबह के बजे है करीबन 8 और अभी मैं रेडी होकर रूम से निकलकर मैं नीचे रेस्टोरेंट में आ चुकी हूँ और यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट्री नाश्ता दिया जा रहा है। और आज का दिन रहेगा मेरा पूरा एक्सप्लोर करना। मैंने गूगल कर कुछ जगह का नाम निकाला है जहाँ मैं जाऊँगी एंड जहाँ मुझे बहुत पहले से जाना था वहाँ तो जाऊँगी, जैसे कि जल महल हो गया एंड देन हवा महल वगैरह तो जाऊँगी। लेकिन दो तीन चीज़ें लाइक टूरिस्ट प्लेस को मैंने खोज के निकाला था, वहाँ भी जाऊँगी। तो अभी जहाँ मैं बैठी हूँ बहुत सुंदर सा एक तो पीछे में आड़ है, वो फ़ोटो मैं खींचूँगी उसके डालूँगी। तो अभी मैं वैसे तो बाहर वाले रेस्टोरेंट में हूँ, मैं अंदर जाकर क्योंकि बुफेट लगाया हुआ है तो मैं जाकर अभी नाश्ता करूँगी एंड दिखाऊँगी कि क्या क्या नाश्ता में होटल वाले सर्व कर रहे हैं। चलिए। ये है नाश्ता ब्रेड विद बटर, मैं इसे अभी ब्लेंड करूँगी एंड देन ये है दलिया, काइन ऑफ थोड़ा सा स्वीट रहता है वाला डिज़र्ट जैसे ही मान लीजिए। ये है पपीता एंड देन बाकी जो था पूरी वगैरह मुझे डाइजेस्ट नहीं होता है तो इसलिए मैंने नहीं लिया। तो ये आगे भैया ने मुझे चाय दिया, ये भी मसाला चाय है ना भैया, इसमें क्या क्या भैया? अदरक, इलायची, काली लौंग, मिर्ची भी, काली मिर्च, लौंग, अदरक, इलायची, ऑलमोस्टली सब व्यापार सब लोग अदरक या फिर इलायची की चाय पीते हैं। यहाँ पे अदरक, इलायची, गोल मिर्च, काली मिर्च सब मिलाकर बना के भैया ने नाश्ता कॉम्प्लीमेंट्री और या उसके बाद मैं घूमने जाऊँगी। सोलो ट्रैवल करना ज़रूरी है, यू गेट आपको बहुत तरीके तरीके का आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और जो लोग सोचते हैं कि गर्ल्स कैन नॉट डू सोलो ट्रैवल, ये मेंटेलिटी हटाना ज़रूरी है। पपीता जो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ अरुणाचल में खाने के, लेकिन यहाँ तो हेल्दी नाश्ता। तो मैं निकल पड़ी हूँ भाई के साथ। तो सबसे पहले आज का दिन शुरुआत करूंगी हवा महल से, जो कि मेरे होटल से पास ही पड़ता था। पहले मैं गई एटीएम, उसके बाद अभी हवा महल जाऊंगी, यहाँ पर सब दे रहूँगी, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे दूसरी जगह। भैया पार्किंग में ही रुके हैं तो मैं फटाफट से घूम लूँगी ये, उसके बाद चलते हैं दूसरे डेस्टिनेशन पर। टिकट विंडो, टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट काट लूँगी उसके बाद अंदर चलते हैं। तो टिकट ले लिया मैंने, पर पर्सन 50 रुपीज़ लिया जाता है। तो चलते हैं अभी हवा महल के अंदर चलते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी चेक करते हैं। इंडियन है फ्यूचर गॉड। तो एंट्रेंस हो चुकी हूँ मैं अंदर, घूम के देखते अंदर चलते हैं। टूरिस्ट है वहाँ, सुबह के 9 बजे से खुलता है, शाम के आई गेस मैंने देखा नहीं, लेकिन 11 बजे समथिंग का देखा।
सुंदर है। अभी मैं आप सबको कैमरा टर्न करके दिखा दी। तो सुंदर है ना सारा टूरिस्ट हो यहाँ पे। तो सुंदर है। अभी मैं भी अभी ट्राईपॉड को सेट करूँगी, उसके बाद फोटो क्लिक करूँगी। और कितने लोग आए हैं भाई? और वीकेंड के सातों दिन ही ये जो हवा महल है वो खुला रहता है, और 50 रुपये पर पर्सन लिया जाता है। फॉरेनर्स का आई डोंट नो एग्जैक्टली कितना है, पर इंडियन के लिए 50 रुपये एंड सुबह के 9 बजे से खुल जाता है और शाम के आई गेस लेट नाइट तक ही होता हुआ। तो ये देखिए अंदर में इतना सुंदर। वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल। देखिए इतना सुंदर है। ये है हवा महल। अभी मैं उतना एक्सप्लोर करने के लिए तो है नहीं, मैं सीधा अभी ऊपर जाऊंगी। आई मीन लाइक थोड़ा ऊपर से भी देखने के लिए जाती हूँ। तो चलिए एंट्रेंस यहाँ दिखा रहा हूँ। रॉयल वाला फीलिंग है। सुंदर है, मजा है। फर्स्ट फ्लोर में इतना कुछ देखने को नहीं है, ऊपर वाले में चल के देखते हैं हवा महल में हवा आता है कि नहीं। और यहाँ पे देखे छोटा सा विंडो, नहीं 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 ना, प्यारा सा है। तो ऊपर चलते हैं, ऊपर। वाओ ऊपर 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 ही जा रहा है। अयो हो वाओ ऊपर ऊपर ही जा रहा है। यहाँ से और ऊपर जा सकता होगा आई गेस। यहाँ चलते हैं। वाओ वाओ ना प्यारा, दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये देखिए सच में बहुत अच्छा सा अच्छा फीलिंग। और यहाँ पे ये देखिए ये कलर वाला, ओह कैमरा में, ओह यस यस कैमरा में इतना सुंदर है। थैंक गॉड, मुझे जो देखना था देखने को मिल रहा है। आई एम सो 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 हैप्पी। वाओ इससे रील तो बनता है। मैं अभी कैमरा सेट करूंगी और रील और फोटो तो खींचूंगी। तो क्या, तो कैमरा सेट करके मैं जा रही हूँ। थैंक गॉड मैंने ऑक्टोपस के ट्राइपॉड लाया। तो मैं रील बनाती हूँ अभी। हुआ मेरा वीडियो शूट खत्म, और अभी चलती हूँ मैं अपस्टेयर में चल के देखते हैं क्या है। देखिए ना क्यूट सा कॉरिडोर। वाओ वाओ सुंदर। वाह थोड़ा सा ये टॉप एरिया हो गया, सुंदर है। ओके
यहाँ से शहर देखने के लिए। ओ वो ऊपर तक जा सकते हैं। वो जो आप देख रहे हो ऊपर वो है नारगढ़ फोर्ट, जहाँ से पूरा जयपुर सिटी को अच्छी तरीके से देखने को मिलता है। वो भी वहाँ भी मैं जाऊँगी, बट पहले मैं वो मेरे को घूम लूँगी एंड उसके बाद देखूँगी कहाँ जाऊँगी और जल महल जाऊँगी। अभी मैं सबसे ऊपर वाले में जा रही हूँ, सबसे ऊपर ही बहुत खुश हूँ। धूप तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। वाह मैं दिखाती हूँ अभी क्या है। ये छोटू सा विंडो से क्या देखने मिलता है देखिए, ये देखिए पूरा ऊपर तक देख के हो गया। अभी मैं जा रही हूँ नीचे और फोटो थोड़ा बहुत खींचूँगी क्योंकि एंगल ही नहीं मिल रहा है। सोलो ट्रिप में यही प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको फ़ोटो खींचने के अगर ट्राईपॉड भी लाते हैं तो उसको सेट करने के लिए आपको प्रॉपर एरिया चाहिए होगा तो सेटअप द थिंग्स ना, तो मैं अभी वही ढूंढूंगी सो दैट आई कैन गेट एटलीस्ट वन गुड पिक्चर फ्रॉम दिस फोर्ट। ठीक है ना, फोटो वीडियो मैंने बना लिया। तो अभी यहाँ पास ही में एक कैफे बोला है जहाँ से जो हवा महल का ठीक तरीके से पूरा व्यू देखने को मिलता है। तो चलते हैं वहाँ, चलते हैं आप सबको दिखाती हूँ मैं कि यहाँ पे गाना बज रहा है, उससे पहले गाना को दिखा देती हूँ। वही तो एग्जिट, क्योंकि बहुत सारा फोर्ट वगैरह में जाना है और मैंने बस 8 आवर्स के लिए वो किया है, रेंटली बुक किया है ओला को। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आई गेस 30 to 40 minutes हो चुका है। एंड सी दूसरी जगह भी जाती तो वही फील करते हैं। वाह देखिए कितना सुंदर है और आई मस्ट टेल कि बहुत अच्छा से प्रिजर्व करके रखा है। एंड अभी मुझे पता चला है कि किसी को बता रहे थे कि जयपुर राजस्थान इज ऑल्सो नॉन फॉर द फोर्ट्स, फुल ऑफ फोर्ट्स। इंडिया में कहीं नहीं होगा बट राजस्थान में आपको सब मिलेगा। एंड ये रहा आंगन, इज इट से चलते हैं। एंट्रेंस वहाँ पे था, एग्जिट यहाँ पे है। अभी मैं आप सबको ले चलती हूँ यहाँ के जो एक कैफे है जहाँ से आप सबको व्यू देखने को मिला। आई डोंट नो कि साउंड ऑडिबल है कि नहीं है, बट इवन दो सुंदर है जगह, बहुत ही सुंदर है। पर क्योंकि टाइम बहुत कंज्यूम कर रहा है तो फटाफट से व्यू दिखाती हूँ, थोड़ी सुंदर बात है, चलते हैं। सो ये रहा हवा महल का फ्रंट साइड, जो जहाँ से हम घुसे थे वहाँ से तो बस घुस के अंदर का ही हम एंजॉय कर पाए, बट दिस इज़ द एक्चुअल व्यू ऑफ हवा महल जयपुर। और ये जो हवा महल है महाराणा प्रताप सिंह ऐसे कुछ के नाम है, उस शुरुआत में या फिर ये वीडियो के दौरान ही, तो डिस्क्रिप्शन में वो डाल दूँगी आप देखिएगा, इतना सुंदर तरीक़ा से बनाया हुआ है। एंड जयपुर के टाउनशिप के अंदर ही है ये, इतना पैक्ड है। एंड आई गेस राजस्थान इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और क्या कह सकते हैं लाइक फील्ड, मतलब फुल विद टूरिस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा जहाँ पे टूरिस्ट फ्लो होता है वो राजस्थान भी है, देख सकते हैं। अभी मैं जाऊँगी सीधे भैया के पास में क्योंकि यहाँ आई डोंट हैव मच टाइम, क्योंकि 8 घंटे का ही था। सो घूम घाम कर हो गया हवा महल। आई गेस मुझे एपिसोड करके बनाना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत सुंदर है वो, बहुत सारा क्लिप हो जाएगा। तो अभी भैया के पास जाऊंगी एंड आई लाइक टू एंड अप ये वाला एपिसोड हवा महल वाला
क्योंकि मैं दूसरे में भी अलग से बना लूँगी दूसरे कोर्ट में। तो या तो नेक्स्ट ब्लॉग में सीधा मिलती हूँ, तब तक ख्याल रखिए। यही सेम दिन ही रहेगा बट अलग ब्लॉग वाइज करके बनाऊँगी, आई मीन लाइक एपिसोड वाइज करके बनाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं बाद में आराम से। बाय।